हेलो एवरीवन, हमें कलरफुल पॉम पॉम्स की जरूरत होगी। ये कलरफुल पॉम पॉम्स मैंने घर पर ही बनाए हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे फ्लावर जैसे मोती लिए हुए हैं, आप चाहे तो अलग अलग डिजाइन के भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद हमें ऐसे गोल मोतियों की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें ऐसे चार जॉइंट वाले, अगर आप लोगों के पास पकड़ नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें एक नेल कटर की मदद से ऐसे स्टार्टिंग में और एंडिंग में ऐसे मोड़ देना है। फर्स्ट हमें क्या करना है, 10 ऐसे गोल मोतियों को डालना है, 10 गोल मोतियों को डालना है हमें फर्स्ट। ये सारे सामान आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे, वो भी चीप प्राइस में, बहुत सस्ते सामान मिलेंगे आप लोगों को ये, और हम इसे घर पे ही बना सकते। बाहर मैंने इसकी प्राइस देखी थी, वो 80-90 रुपीस की थी। देन हमें एक घुंघरू डाल देना है। फिर उसके बाद हमें ये फ्लावर वाली एक मूर्ति डालनी है। देन हमें एक पॉम पॉम डाल देना है। फिर उसके बाद फिर से ये फ्लावर वाली मूर्ति एक डालनी है हमें। फिर उसके बाद हमें एक घुंघरू डालने के बाद 10 ऐसे गोल मोतियों को डालना है हमें। जो जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, यही स्टेप्स से आप बनाओगे तो आपके बैंगल्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये 90-80 रुपीस का बाहर मिलता है, हम इसे 40 रुपीस में बनाएंगे। 10 मोती डालने के बाद हमें फिर से एक घुंघरू और डालना है, फिर ये फ्लावर वाला मोती डालना है, फिर एक और पॉम्पॉम डालना है हमें, फिर से हमें ये मोती डालना है और एक ही डालना है हमें ये मोती। और सारी चीजों को हम ऐसे करके एक जगह पे रख देंगे ताकि वो एक जगह अंदर अच्छे से रहे, बाहर ना निकले। मैंने आपको जो जो स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स करके हमें ये, फिर उसके बाद हमें स्टार्टिंग में और एंड में 5 घुंघरू को ऐसे करके लगा देना है ताकि वो बजे और अच्छा लगे गरबा खेलते टाइम पे। फिर उसके बाद हमें इसे ऐसे करके मोड़ देना है ताकि कोई भी चीज ना निकले बाहर। हमारा घर का बना हुआ पॉम पॉम बैंगल्स रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय।